फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कबड्डी दुबई मास्टर 2018 में टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी है। तो आपको क्या करना है, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहना है। फ्रेंड्स पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी टीम का स्क्वाड नहीं मालूम है तो आपको समझ में आएगा ही नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं। जब आपको यही नहीं पता होगा कि किस टीम में कौन सा प्लेयर है तो आप खुद से भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर मैं जो बोल रहा हूँ ये रियलिटी है या ये फेक है। तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक चेक कर सकते हो जहाँ पर आपको सारी टीमों का स्क्वाड मिल जाएगा। तो यार वहाँ से स्क्वाड देख लो इस वीडियो को देखने के बाद, और उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत। तो नंबर 3 पर मैंने जिस टीम को रखा है उस टीम का नाम है ईरान। फ्रेंड्स मैं ईरान को नंबर 2 पर भी रख सकता था क्योंकि ईरान वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम थी, पर मैंने इसलिए रखा है ईरान को नंबर 3 पर क्योंकि ईरान में दुबई कबड्डी मास्टर 2018 में ना ही फजल अटरचाली खेल रहे हैं ना ही मिराज शेख खेल रहे हैं, मतलब उनका कोई भी मेन प्लेयर नहीं खेल रहा है। अबोजर मेघानी, मकसूद लू, किसी को भी ले लो वो नहीं खेल रहा है। एक खिलाड़ी खेल रहा है जिसे हम सब शायद जानते हैं, हादी ताजिक, उनको आप लोग जानते हो, वो खेल रहे हैं। तो ये एक शॉकिंग थिंग है, मुझे लग रहा है ईरान ने इसलिए फजल को नहीं खिलाया है, मिराज को नहीं खिलाया जो उनके मेन प्लेयर्स हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का इंतजार कर रही ईरान, वो नहीं चाहती कि कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए। तो वो भी सही सोच रही है, तो मतलब हमें वर्ल्ड कप में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, पर यहाँ पर हमें थोड़ा यार कम मज़ा आएगा क्योंकि ईरान का जो स्ट्रांगनेस थी वो फजल और मिराज ही थे और कुछ उनके मेन प्लेयर्स थे। तो यार मैं आपको बता दूं नंबर 3 पर मैंने रखा ईरान को क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। नंबर 2 पर मैंने जिसको रखा है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक ही ऐसी टीम है जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया था, मतलब रिपब्लिक ऑफ कोरिया ही है उनका नाम, मतलब साउथ कोरिया, जैंग कुनिली की टीम, उनको मैंने नंबर 2 पर रखा है। और ये टीम के सब प्लेयर्स लगभग खेल रहे हैं जो हमें वर्ल्ड कप पे खेलते हुए दिखे थे। यहाँ पर जैंग कुनिली कैप्टन होने वाला है इस टीम के, तो इसका मतलब यार टीम तो अच्छी है इनकी, इस पर तो कोई डाउट है नहीं क्योंकि इंडिया को हराना इतना आसान है नहीं। ओनली एक ही टीम थी जिन्होंने इंडिया को हराया था, तो इसलिए मैं नंबर 2 पर रखा है साउथ कोरिया को। यार नंबर 1 बताने की आप लोगों को क्या जरूरत है, सबको पता होगा इंडिया इंडिया इंडिया। इंडिया कबड्डी के सारे फॉर्मेट की चैंपियन है, 2016 की भी यही चैंपियन थी जिन्होंने ईरान को हराया था, और इस साल भी कुछ वैसी ही टीम लेकर उतरी है क्योंकि कुछ ही प्लेयर्स नहीं है, नितिन तोमर को ले लो उनको हटा दो, तो यार वही लगभग टीम लेकर उतरी और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग टीम है इंडिया। दूसरे देशों से कंपेयर करें तो 2x 3x में जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देश है इंडिया कबड्डी के मामले में। तो इसलिए मैंने इंडिया को नंबर 1 पे रखा है, यार कबड्डी इंडिया का है, कबड्डी इंडिया का ही गेम है, तो इसलिए मैंने इंडिया को रखा है नंबर 1 पे। और ऐसा बात नहीं है कि इंडिया ने अपने प्लेयर्स को आराम दिया, वो अपने मेन प्लेयर्स को ही लेकर गए, अनूप को हटा दें, नितिन को हटा दें, अनूप शायद इंजर्ड हैं या फिर उनको आराम कुछ दिया गया है। तो फ्रेंड्स यही थे बस एक वीडियो जहां पर मैंने आपको बताया टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ दुबई कबड्डी मास्टर 2018। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को बजा देना है ताकि जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आप कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है। We're